नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने एक अपना बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि प्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियां अब हटाई जाएंगी, जहां हाई कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है। बता दें कि प्रदेश में 2013 के बाद चौराहों पर लगी मूर्तियां हटेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर एमपी हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर एमपी हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले में प्रदेश में चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाएंगी। बता दें कि प्रदेश में 2013 के बाद चौराहों पर लगी मूर्तियां हटेंगी। आपको बता दें कि एमपी हाई कोर्ट के इस फैसले में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह सहित 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां प्रदेश से हटा दी जाएंगी। तो इस पर और भी ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता देवेंद्र पटेल जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, एमपी हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया है कि प्रदेश में सभी मूर्तियां हटा दी जाएंगी, तो एमपी हाई कोर्ट का यह फैसला किस दायर याचिका के संदर्भ में एमपी हाई कोर्ट ने सुनाया है? जी देखिए सानिया, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाए। कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार यानी आज सुबह भोपाल के टीटी नगर चौराहे पर लगी जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा है, उसके संबंध में एक दायर याचिका पर यह सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। दरअसल याचिकाकर्ता ने कहा था कि मूर्तियों से ट्रैफिक प्रभावित होता है। कोर्ट ने भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर इस मामले में 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और इसमें से 10,000 रुपए याचिकाकर्ता को भी देने की बात कही गई है। मैं आपको बता दूं कि भोपाल निवासी सोशल वर्कर जो एक हैं, गिरीश जैन उनका नाम है, इन्होंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी जिस पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। और टीटी नगर में नान के पेट्रोल पंप के सामने जो चौराहे पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है, याचिका में ये कहा गया था कि ये प्रतिमा 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश में चौक और सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति या प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद रोक लगी रही, मूर्ति वहां पे स्थापित नहीं हुई। और आज जब ये जब फैसला सुनाया है तो उसके बाद ये साफ है कि जो पूर्व सीएम के अर्जुन सिंह की जो मूर्ति यहाँ पे न्यू मार्केट स्थित लगी हुई है वो भी हटाई जाएगी। जी देवेंद्र जी, बात करें तो एमपी हाई कोर्ट की तरफ से इस सख्त फैसला सुनाते हुए क्या राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम को फटकार भी लगाई गई है, और इस फैसले में एमपी हाई कोर्ट की ओर से भोपाल प्रशासन को क्या कुछ कहा गया है? जी हाँ, देखिए क्या है कि जब दिसंबर 2019 की मैं बात करूं तो कांग्रेस की सरकार के समय भोपाल नगर निगम की ओर से कोर्ट में जवाब पेश करते हुए बताया गया था कि मूर्तियां आवागमन में बाधक नहीं है इसके। लेकिन जब तुरंत बाद जब सरकार बदल गई और जुलाई 2021 में जब ये कहा गया कि मूर्तियां यातायात में बाधक हैं, तो इसी बात पर कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन करना चाहिए। यानी कि सरकार बदलने के साथ इनके अधिकारियों का जवाब भी कोर्ट में बदल गया, इस पर गंभीर दिखी कोर्ट। और उसके बाद ये इस पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया और ये भी कहा कि इसमें 30 दिन में 30,000 रुपए का जुर्माना साथ ही याचिकाकर्ता को भी देने की बात कही। जी देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से बता रहे थे, जहां पर प्रदेश में एमपी हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें कि प्रदेश में अब पूर्व सीएम अर्जुन सिंह समेत 2013 के बाद लगी प्रदेश के सभी चौराहों की मूर्तियां हटा दी जाएंगी।